अहम् ब्रह्मास्मि। देवी माँ, अगले महीने से मेरी एग्जाम है, प्लीज अच्छे मार्क्स दिला दो। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल तुम पास हो ही जाओगी, पर दक्षिणा तो देवी माँ को चढ़ानी पड़ेगी ना। हाँ हाँ देंगे देंगे, बताइए कितनी देनी है। आप तो बच्चे हैं, आपसे क्या लेना, फिर भी 500 रुपए तो दे ही दो। जाओ बच्चा, तुम पास हो जाओगी। देवी माँ की जय हो। अहम् ब्रह्मास्मि। हे देवी माँ, मेरा नाम सूरज है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आप कुछ मदद कर दो। हाँ बच्चा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर देवी माँ को कुछ तो चढ़ावा देना पड़ेगा, तो आप 5000 रुपए निकालो। 5000? हाँ 5000। इतने तो नहीं है मेरे पास देवी माँ। नहीं है और माता के दरबार में आ गए, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। इतने तो नहीं है मेरे पास देवी माँ। नहीं है तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, आधे घंटे में तुम मर जाओगे। नहीं देवी माँ, नहीं 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 देवी माँ। बिल्कुल ना, नहीं देवी माँ, ऐसा मत करो देवी माँ। जाओ देवी माँ के दरबार से। अरे देवी माँ, हाँ ये क्या बोल रही हो आप, अगर ये नहीं मरा तो? अरे तुम देखते जाओ, ऐसा ही होगा। प्रणाम देवी माँ। बोलो भक्त, क्या परेशानी है? देवी माँ, मैं और काजल दोनों पार्क में शादी कर रहे हैं। बढ़िया बात है देवी माँ, कुछ ऐसा कर दो कि मेरे अर्जुन की शादी हो जाए और मेरे पापा भी मान जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पापा भी मानेंगे और शादी भी हो जाएगी। पर आपको देवी माँ को 10000 का चढ़ावा देना पड़ेगा। 10000? इतना तो हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे पाएंगे। 10000 तो देना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते देवी माँ। नहीं कर सकते, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम दोनों कभी एक नहीं होगी, तुम दोनों की शक्ति कभी नहीं होगी, तुम दोनों अलग हो जाओगी, तुम दोनों का बेटा हो जाएगा। नहीं देवी माँ, ऐसा मत कीजिए। नहीं, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हो सकता। अरे देवी माँ, ये क्या बोल रहे हो आप, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अलग नहीं हुए तो? अरे तुम देखते जाओ, ऐसा ही होगा, वो दोनों अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि आधे घंटे में तुम मर जाओगे। देवी माँ ने हमें श्राप दिया है, हम दोनों अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम दोनों कभी एक नहीं होगी, तुम दोनों की शक्ति कभी नहीं होगी, तुम दोनों अलग हो जाओगे। वैसे भी तुम कुछ करते तो हो नहीं और पापा भी राजी नहीं होंगे, और आज अभी तक तुम्हारी नौकरी भी नहीं लगी है। क्या ट्राई तो कर रहा हूँ। तुम ट्राई भी करते रहोगे और तुमसे कुछ नहीं होगा, क्या हुआ आज तक तुमसे? तो बताओ क्या करूँ। अब तो वो भी खत्म हो गई है, आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अरे देवी माँ, वो जो आपने बोला था ना
वो सच हो गया। क्या? वो सूरज था ना, हाँ? वो मर गया और वो जो आए थे ना लड़के लड़की, हाँ? वो भी अलग हो गए। ऐसा तो होना ही था, ये सब अंधविश्वास का खेल है। जिसके दिमाग में जो डालोगे वैसा ही सोचने लगता है, तभी तो हमारी दुकान चलती है। वाह वाह, जय हो देवी माँ, जय हो देवी माँ। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अंधविश्वास से देश को छुटकारा मिले और हम किसी भी जाति, धर्म और समुदाय के विरुद्ध नहीं हैं। हम सभी धर्मों की बहुत इज्जत करते हैं और हमें ऐसा लगते हैं कि अंधविश्वास जड़ से मिट जाए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। रंजू ग्लोबल। मेरे को बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे को कुछ भी करो, मेरे को पास करवा देना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शोभा दिन जल्दी निकल जाओ, अर्जुन तो ताकि नहीं पा जा रहा। अब बच्चे हो, बच्चों से क्या लेना। नहीं अभी ये सीन आए कर बात चल रहा है, इतना तो हम नहीं दे सकते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इतना भी आप जगह ना बदलते। Oh, my God.